प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, आपका अपना, और ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉप ग्रेड प्रॉब्लम है। हमने सारे प्रॉब्लम, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के चुने हैं जो आगे के लिए हमारी मदद करते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस करने से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और आप छोटे छोटे सवालों को तो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। ये है टेन थीटा बाय टू इज इक्वल टू दिस मच, एंड वी आर सपोज टू प्रूव कॉस फाइव इज इक्वल टू, मतलब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जगह और थोड़ा समय का अभाव होता है, हम तेज करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या मान लें, इसको नंबर वन मान लें। और आपको जो प्रूव करना है मेरे बच्चों, या तो ये इक्वल टू या प्रूव कर देंगे, या ये इक्वल टू ये, इसका यूज़ करके। तो हम वहाँ से लेते कॉस थीटा माइनस ई अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा, ये हमने चुन लिया। कहाँ से चुना? राइट साइड से। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है वो टेन की टर्म्स में, तो कॉस का वो फॉर्मूला लगाएं जो टेन हो। कौन सा है वो? वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। आप देखो, मैंने ये सब मल्टीपल एंगल्स जब बताए, ये फॉर्मूला बताया आपको, माइनस ई अपॉन आपके पास आएगा वन माइनस ई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम? कॉस थीटा की जगह फिर वही फॉर्मूला, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको कोट भी करना रहता है। कोट मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने? तो आपने किया है कॉस ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय टू, ये आपने फॉर्मूला यूज किया है। आप ये लिखिएगा वहां पर, टीचर आपके खुश होंगे और लगेगा उन्हें कि हाँ, इन्हें काफी कुछ आता है। अब मेरे बच्चों, पहले इसको, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखने की जगह थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस में, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, वन माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, माइनस एलसीएम लिया ना, तो ये हो जाएगा ई इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू हो, और अपॉन में क्या आएगा मेरे बच्चों? अपॉन में ये आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू होल अपॉन। तो ये इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा, इक्वल टू मेरे बच्चों यहाँ आएगा, ये इधर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस ई इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये आ गया। अपॉन में क्या है मेरे बच्चों? अपॉन में फिर वही है इसका, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। थोड़ा दिखने में बड़ा है, धीरे धीरे करेंगे, आसानी से होगा, नो प्रॉब्लम, है ना बच्चों? तो आप साथ साथ बने रहेंगे तो मज़ा आएगा, मेरे को आपका सपोर्ट होगा, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अब इसको ओपन कर लेते हैं मेरे दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं, बहुत जल्दी ना करके धीरे धीरे आराम से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, इसको ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस ई टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। तो कुछ स्कोप दिखने लगेगा। अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस ई प्लस ई टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब आप एक काम करो, जो आपके वो हैं, जो टेन वाले, इनमें दोनों में टेन है, इन दोनों में टेन है, कॉमन ले लेंगे टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये और ये साथ साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस ई, ठीक, माइनस इसमें से मेरे बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो ये हो जाएगा वन प्लस ई टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। और नीचे भी देखिए, नीचे क्या आएगा? वन माइनस ई, ये आ गया। देखिए कौन सा आया हमारे पास, बिल्कुल केयरफुली करेंगे हम, जरा भी गड़बड़ नहीं करेंगे, और जब कोई दिक्कत होगी तो हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा वन माइनस ई प्लस,
बिल्कुल साथ साथ बने रहे, वन प्लस ई टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसमें से क्या है हमारे पास, वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं, और प्रूव क्या करना है हमें, हमें प्रूव करना है बच्चों कॉस फाइव प्रूव करना है। तो इसमें एक काम करें, हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैं वन माइनस ई कॉमन लेता हूँ। हमें मुझे लगता है जगह यहाँ कम होगी तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। वन माइनस ई कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं कॉमन लेके, वन माइनस ई कॉमन लेंगे तो बहुत आराम से आप हो जाएगा। वन प्लस ई भी ले सकते हैं, वन माइनस ई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं इसकी यूटिलिटी आपको समझ में आएगी, है ना। तो वन माइनस ई कॉमन ले लिया हमने, तो वन माइनस ई कॉमन लिया मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा वन माइनस ई बाहर ब्रैकेट, ब्रैकेट में वन माइनस ई लिया तो वन आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई, और इनटू में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में देखो कितना आएगा, अपॉन में भी ऐसे कॉमन ले लिया वन माइनस ई, तो ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस, वहां भी ऐसे ही आएगा वन प्लस ई अपॉन में आ जाएगा वन माइनस ई, ताकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपको वन प्लस ई आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। क्लियर है क्या मेरे बच्चों, ये अगर आपको देखो क्लियर है तो फिर हम बहुत अच्छी बात है। अब अपने पास जो है वो है का यूज भी करना है, तो उस है का यूज अभी अपन ने नहीं किया, तो मैं वो लिख देता हूं। अब आपको ये रब करके मैं वो जो है आपके पास अवेलेबल, अब उसका यूज तो करना पड़ेगा ना। तो फ्रॉम वन क्या है आपके पास, या डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा बाय टू की वैल्यू, ठीक है आप ऐसा कहें तो ऐसा समझ ले, ऐसे करते देखो वन माइनस वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई, डायरेक्ट रख देता हूँ उसको लिखने की जगह, मैं वहाँ लिख दूंगा फ्रॉम, वहाँ लिख दूंगा मैं फ्रॉम वन, ठीक है ना। ओके तो टेन स्क्वायर थीटा बाय टू की वैल्यू यहाँ से निकालो, स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखो आपको कुछ अब शुभ संकेत मिलने लग गए ना, ये इससे कट जाएगा वो उससे कट जाएगा, पर इसका भी स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर फाइव बाय टू अपॉन, अब तो आ गया होगा समझ में, ये इससे कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा वन प्लस, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई है, और वो स्क्वायर होके आएगा। अब तो आप समझ गए मेरे बच्चों, समझ गए, मैं समझ गया कि मेरे बच्चे समझ चुके हैं, ये हो गया, ये अब ब्रैकेट तो इकट्ठे ही लगा देता हूँ मैं, इससे इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, क्या आ गया अब अल्टीमेटली अपने पास मेरे बच्चों, आ गया वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाय टू। तो मेरे बच्चों यही तो है कॉस फाइव, ये फार्मूला लिखा था मैंने, जो फार्मूला रब कर दिया, अब आप देखो उसमें, उसमें थीटा था इसमें फाइव है, यही है कॉस फाइव डायरेक्टली, ये फार्मूला ही है। तो ये मेरे बच्चों ये इसका पार्ट ये वाला आ गया, और इस तरीके से ये क्या हुआ, हेंस इट इज प्रूव, ठीक है। सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत है मेरे बच्चों, अगर आपने सिस्टमेटिक अप्रोच बनाई धीरे धीरे आगे बढ़े, प्रॉब्लम कहीं आना ही नहीं है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने हों, प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन के साथ आती है, और यू आर द सॉल्यूशन, तो आप उसका सॉल्यूशन ही हो, ये प्रॉब्लम कितनी भी कठिन हो आपके सॉल्यूशन से, आपकी अप्रोच से, आपके दिमाग से ज़्यादा कठिन कभी हो ही नहीं सकती है। तो मेरा यकीन मानो आप बहुत होशियार हो, इसी तरीके की और टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे लिख भेजो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो आप मेरे नंबर पे 9685698056, आप अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप अपनी कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो, लिख के भेजिए,
चैनल को दोस्तों सब तक पहुंचा दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सारे दोस्तों तक पहुंचा दो, सारे हिंदुस्तानियों तक पहुंचा दो। जो भी बच्चा क्लास 11th स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ये पहुंचे। विश यू ऑल द बेस्ट।